नमस्कार, मैं दिव्या धनाधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल मामले 12,591 मरीज मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 महीनों में ये सबसे ज्यादा मामले, इसके साथ ही एक्टिव केस अब 65,000 के पार हो गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 65,286 हो गई है। झारखंड में हेमंत सरकार ओबीसी आरक्षण को राजभवन से लौटाए जाने के बाद विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर रही है। कानूनी राय के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल सीपी कृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित पदों पर सेवाओं और रिक्तियों में झारखंड आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को करीब एक माह पहले राज्य सरकार को वापस लौटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक बौद्ध समिट के उद्घाटन सत्र का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 20-21 अप्रैल को राजधानी के अशोक होटल में किया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा है कि उत्तरी सीमा पर किसी भी हालत से निपटने के लिए सेना को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन के साथ बातचीत चलती रहेगी। साथ ही सेना के कमांडरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए, क्योंकि बीते 3 सालों से दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चों पर अपने सैनिकों को तैनात करके रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की अध्यक्षता की है। सम्मेलन में आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपाय पर चर्चा हुई है। एससीओ सम्मेलन के बीच ही अमित शाह एससीओ के सदस्य देशों के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी सक्रियता से एससीओ में भागीदारी कर रहा है, इसलिए फोरम में विभिन्न प्रणालियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। राजस्थान में बिजली पर निर्भर न रहने के लिए केंद्र सरकार मजबूती से काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अमृत 2 परियोजना चलाई है। इसके तहत सरकार सोलर के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली और सरकारी कार्यों में सोलर से उत्पन्न बिजली को काम में लाने की तैयारी में है। सड़कों पर चल रही गाड़ियों का लगातार बजने वाला हॉर्न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का कारण ही नहीं बनता, बल्कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की वजह भी बन सकता है। अभी तक लोग यह तो जानते थे कि ट्रैफिक शोर मेंटल हेल्थ के साथ साथ मूड और बिहेवियर पर भी बुरा असर डालता है, लेकिन इस बात से कोई वाकिफ नहीं था कि गाड़ियों का शोर ब्लड प्रेशर के हाई लेवल को भी प्रभावित कर सकता है। स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया है कि ट्रैफिक शोर के आसपास रहने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। सीमा सुरक्षा बल की आदियां पोस्ट के जवानों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को फायरिंग कर खदेड़ दिया है। जवानों ने रात करीब 2:15 पर ड्रोन की आवाज सुनी थी। इसके बाद उन्होंने तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित किया था। भारतीय सेना के जवानों को रात 2:45 पर फिर से ड्रोन की आवाज सुनाई दी थी। इस पर बीएसएफ के सतर्क जवानों ने 3 गोलियां फायर की और एक इलू बम दाग दिया। 5 मिनट तक हवा में मंडराने के बाद आखिरकार ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गया। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस मामले में आमने सामने हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में भेंट कर प्रदेश से जुड़ी विभिन्न रेल परियोजनाओं संबंधी चर्चा की है, जिसमें मेट्रो ट्रेन का मुद्दा भी उठाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात में उनसे कहा है कि राज्य सरकार का इस साल सितंबर माह में पहले और भोपाल शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में विशेषज्ञ मानव शक्ति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। झारखंड का जामतारा जिले के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता। इस जिले के नाम पर जामतारा वेब सीरीज भी बना था। जामतारा देश के साइबर क्रिमिनल्स का हब माना जाता है। ऐसे ही 6 साइबर ठगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी साइबर ठग जामतारा में रहकर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और यहीं से बैठकर देश भर के लोगों को चूना लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस को जब इस बात की जानकारी हुई तब वे जामतारा पहुंचकर छापेमारी के दौरान 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 20,000 से ज्यादा चालू मोबाइल सिम बरामद किए गए हैं। बिहार के गया में रोबोट से सेफ्टी टैंक की सफाई की जाएगी, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। सर्व सेवा समिति संस्थान 4S इंडिया की ओर से यह पहल की गई है। बता दें कि पहले सेफ्टी टैंक की सफाई करने में मजदूर की जान चली जाती थी, लेकिन अब आसानी से टैंक की सफाई हो सकेगी। IIT मद्रास की ओर से यह रोबोट बनाया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने प्लास्टिक के पूरी तरह से नष्ट हो जाने वाले दावों को भ्रामक विज्ञापन बताया है। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने किसी भी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी को इस तरह का प्रमाण पत्र न देने का सुझाव भी दिया है। BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा है कि प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट होने वाली चीज नहीं है। अगर कोई निर्माता इस तरह का दावा करता है तो उसे भ्रामक विज्ञापन के सामान माना जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक के लिए 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 23 मई को इंडियन डायस्पोरा के बड़े कम्युनिटी इवेंट को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी से संबोधित करेंगे। वहीं वे शिखर सम्मेलन में भारत प्रशांत क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। क्वाड समिट में समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा में निरंतर सहयोग पर चर्चा होगी। क्वाड के शिखर सम्मेलन में भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख रूप से हिस्सा लेंगे। कश्मीर में मई में होने वाली G20 बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा के सटे क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध जांचे जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को गृह मंत्रालय के उच्च स्तरीय टीम ने जम्मू के सांबा सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। बीएसएफ और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने सरहद पार से जारी आतंकी षड्यंत्र से भी रूबरू करवाया है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसमें कोई वीडियो सही होते हैं तो कोई वीडियो फर्जी भी होते हैं। इसी बीच एक ऐसा ही वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पीआईबी फैक्ट चेक ने किया है। इस वायरल वीडियो में सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन दावा किया जा रहा है। पीआईबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह वीडियो फर्जी बताया। यह धोखाधड़ी का प्रयास है, कृपया सावधान रहें। सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट ग्रुप सुपरटेक पर सख्त कार्रवाई की है। ताजा कार्रवाई में नोएडा में इसकी सुपरटेक लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया गया है। बता दें कि सुपरटेक ग्रुप की सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड पर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का 33.56 करोड़ बकाया है, पर प्रशासन ने इसके बजाय सुपरटेक लिमिटेड का ऑफिस सील कर दिया है। इसलिए सुपरटेक ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि पैसों की रिकवरी सुपरटेक टाउनशिप से की जानी है। अमिताभ बच्चन की पोती और ऐश्वर्या राय व अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या राय बच्चन एक याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने गूगल से लेकर यूट्यूब तक को सख्त चेतावनी देते हुए लिखित जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 मई तय की है। आराध्या ने उनके स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित फर्जी समाचार की रिपोर्टिंग के लिए यूट्यूब टैबलॉइड के खिलाफ याचिका दायर करते हुए इस तरह की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास कोर्ट स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश बुधवार को वापस ले ली है। जस्टिस मुरलीधर दरअसल इस साल 7 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने फैसला यह कहते हुए वापस ले लिया है कि प्रस्ताव पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए IRCTC के ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। दरअसल ठगों ने लोगों को बैंक खाता खाली करने का एक नया तरीका निकाला है। IRCTC की ऐप से टिकट बुक करना सुरक्षित है, लेकिन आपको सावधान भी रहने की जरूरत है। भारतीय रेल के आधिकारिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल IRCTC ने अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। IRCTC ने अपने यूजर्स को सलाह दी है कि वे IRCTC के नाम से चल रहे फर्जी मोबाइल ऐप को डाउनलोड ना करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ CBI और ED जांच कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट में आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 24 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगी, तब तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। यूपी में रिटायर्ड जजों को सुविधाएं संबंधी आदेश की अवहेलना के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी की योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा से गहरी हिम दरार में गिरने के बाद लापता हुए भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू का पता चल गया है। उसके साथ लापता हुए बलजीत कौर भी सही सलामत मिल गए हैं। राजस्थान के किशनगढ़ निवासी मालू सोमवार को कैंप 3 से उतरते हुए करीब 6,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद लापता हो गए थे। सेवन समिट ट्रेक्स के अभियान निदेशक छांग दावा शेरपा ने हिमालयन टाइम्स को बताया कि 5 शेरपा पर्वतारोहियों की एक टीम मालू की तलाश कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनका पता लगाने के लिए मंगलवार को विमान से भी तलाश अभियान जारी किया गया था। मोदी सरने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत से झटका लगने के बाद भाजपा ने उन पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक न लगाकर न्यायालय ने दिखा दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का गुरुवार सुबह 20 अप्रैल को निधन हो गया। वह 74 साल की थी। पामेला चोपड़ा एक प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर थी। इसके साथ ही वे फिल्म लेखक और निर्माता भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्री फिलहाल हल्के लक्षणों के साथ होम क्वारंटीन में है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और आराम करने की सलाह दी है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत यात्रा पर आएंगे। बिलावल की यह यात्रा अगले महीने की शुरुआत में 4 मई को होगी। वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद यह किसी सत्तारूढ़ पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा होगी। मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का सपना संजोय नगर और जिलाध्यक्ष के सपनों पर बीजेपी आलाकमान ने पानी फेर दिया। आलाकमान की ओर से एक नया नियम लाया गया। इसके तहत अगर नगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को चुनाव लड़ना है तो उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा। यह भी कथन है इसे अमल में लाया जाएगा या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रहने वाले एक 20 साल के लड़के ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल बना डाली है जो 1 क्विंटल का वजन ले जाने में सक्षम है। ये लड़का जिसका नाम आदित्य शिव हड़े है ने कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाने में सफलता प्राप्त की। इस बाइक की लागत 20,000 रुपए है और ये फुल चार्ज पर 30 किलोमीटर दूरी तक करने में सक्षम है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, संजय चौधरी, एमडी साकिर हुसैन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और आयुष। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अक्सर विपक्ष पार्टियों द्वारा जांच एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।